नवाज शरीफ साहब इस वक्त अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और ये मनाजिर पोलिंग स्टेशन के अंदर के हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो के कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो अपना वोट इस वक्त कास्ट कर रहे हैं। साथ मरियम नवाज भी उनके हमरा मौजूद हैं। एन ए 128 का ये हल्का है जहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और उनके पीछे आप देख सकते हैं कि IPP के रहनुमा ओन चौधरी भी उनके साथ मौजूद हैं। और इस तरह से अभी इमरान यकूब साहब फरमा रहे थे कि यहाँ पर नेशनल असम्बली में तो यकीनी तौर पर ओन चौधरी को सपोर्ट हासिल होगी, लेकिन PP में अगर देखा जाए तो वो यकीनी तौर पर उनके अपने ही रहनुमा नून लीग के, उन्हें ही ये ओन चौधरी साहब के बिल्कुल साथ अगर आप देखें तो उमर सुहेल से आप बट नीली जैकेट पहने पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें पता है कि मामू उनको वोट जरूर देंगे। बातचीत कर रहे हैं नवाज, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। अपना वोट कास्ट कर दिया है और हम ये मनाजिर देख सकते हैं कि सारा अमला, सारे रहनुमा उनके साथ थे और सबने देखा है, इमरान साहब सबने देखा है कि मेक श्योर किया। हाँ, और ओन चौधरी जो थे उन्होंने तो मेक श्योर किया है कि उन्होंने काफी टप्पा लगाया या नहीं। अच्छा देखें हुदा, अनफॉर्चुनेटली वैसे तो अगर आप असूल की बात करें तो ये गलत है, खिलाफ वर्जी ये ना सिर्फ खिलाफ वर्जी है बल्कि इखलाकी तौर पर भी इसका जवाज नहीं बनता। लेकिन क्योंकि जब कहीं पे भी कोई रहनुमा जाते हैं और इस तरह से लीडर जाते हैं तो रश इतना हो जाता है कि वहाँ पे अंदर देखें पोलिंग स्टेशन के अंदर उस कमरे में इतनी ज्यादा जगह नहीं होती है, तो वहाँ आमतौर पर जो भी कोई लीडर जाता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। तो ये जो प्राइवेसी है या ये कहा जाता है कि वोट आपका एक ज़ाती मामला है और आप जो हैं इस पर करें, तो आमतौर पर लीडरों के मामले में ये बात फिजिबल नहीं रहती, सच नहीं रहती। इमरान साहब यहाँ पे तो हमें देखने में आ रहा है कि एतबार भी नहीं था, शायद देखा है ऐसे करके देखा गया है। नहीं ऐसी बात नहीं, ठप्पा सही लगा कि नहीं लगा, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं है। देखिये ओन चौधरी जो है खास तौर पे जो सियासी जमातों के रहनुमा होते हैं और उस स्टेशन के जो लोग जिस तरह मियां नवाज शरीफ हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि वो अपने कैंडिडेट को ही वोट ना दें, किसी और को वोट दे दें, वो इस तरह से नहीं होता। वैसे तो सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन इस तरह के मामलात में देखें जब सीट एडजस्टमेंट है और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के ना सिर्फ सरबराह हैं बल्कि उन्होंने ये सारे मामलात को लेके चलना है, तो मैं ये समझता हूँ कि ओन चौधरी जो हैं वो खड़े खुश ज़रूर हो रहे होंगे कि आज उन्होंने एक तवील अरसे के बाद मियां नवाज शरीफ से शेर के अलावा किसी और निशान पे निशान लिखवा लिया और वो कामयाब हो गए। अच्छा इमरान साहब, आप नहीं समझते कि यहाँ पर भी अमीर और गरीब के लिए कानून अलग अलग है? हमने थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग की है कि कुछ अनासिर ने जनाब बैलेट बॉक्स बैलेट पेपर की पिक्चर लेके जिसपे उन्होंने मोहर लगाई है और वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, अब उसके खिलाफ यकीनी तौर पर कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा कि नवाज शरीफ जब वोट डाल रहे हैं तो पूरा मीडिया टीम जाकर देख भी रही है, बाकी लोग भी मौजूद हैं, तो फिर इस पर कोई एक्शन अमूमी तौर पर बनता है या फिर जाने दिया जाएगा? देखिए अगर आप कानून की बात करें तो ये खिलाफ कानून भी है, इखलाकियात की बात करें तो खिलाफ इखलाकियात भी है, और इसकी इखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे कोई भी इसका कोई जवाज नहीं बनता। लेकिन मैंने जैसा पहले अर्ज किया कि पोलिंग स्टेशन में क्योंकि बहुत ही कम जगह होती है और वहाँ पे उस वक्त आप देखें कि मीडिया के भी बेशुमार लोग उनके साथ हैं, सब कुछ है, तो फिर वहाँ पे इस तरह से प्राइवेसी मुमकिन नहीं रहती। लेकिन मेरी ज़ाती राय में इस बात का ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि प्राइवेसी कायम रहे।